वीडियो में हम बात करेंगे फॉर्मल ड्रेसिंग के पांच शूज के बारे में जो आपको पता होने ही चाहिए, जो आपके लाइफ टाइम काम आने वाले हैं। वीडियो के एंड में मैं आपको छोटा सा इत्तू सा हैक बताऊंगा जो आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है, जिसको आप देखने के बाद बोलोगे मजा आया। सबसे पहले जान लो फॉर्मल ड्रेसिंग दो टाइप की होती है, एक होती है ट्रेडिशनल, एक होती है कैजुअल, जिसे लोग बिजनेस कैजुअल भी बोलते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? जो ट्रेडिशनल फॉर्मल्स होते हैं उसमें क्या होता है कि आपके ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कपड़े नहीं पहन सकते हो, अपने अकॉर्डिंग आप शर्ट या पैंट कोई भी अपने हिसाब से नहीं पहन सकते हो। जैसे आपका स्कूल हो गया, आपके कॉलेज हो गया, आपके सेमिनार्स होते हैं, आपका कोई ऐसा ऑफिस है जहाँ पे आपके ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस है कि आप कुछ भी पैटर्न वाले कपड़े नहीं पहन सकते हो, आप चीनोस पैंट नहीं पहन सकते हो, ऐसी जगह वहां पे आपके ट्रेडिशनल आता है। वहीं हम कैजुअल फॉर्मल्स की बात करें तो वहां पे आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, आप पैटर्न वाले थोड़े बहुत शर्ट्स पहन सकते हो, आप चीनोस आप पहन सकते हो, आप शूज थोड़े से डिफरेंट टाइप के पहन सकते हो। सबसे पहला रूल यहाँ पे आता है आपकी शर्ट्स का। आप शर्ट में आप देखो ऑब्वियस ही बात है आप ट्रेडिशनल पहनते हो, वहां पे बहुत ज्यादा पैटर्न वाली शर्ट्स नहीं पहन सकते हो, तो वहां पे आपको प्लेन सॉलिड शर्ट्स पहननी है। मेक श्योर से जो कॉलर होता है स्टैंडिंग कॉलर हो, थोड़ा सा खड़ा हुआ होना चाहिए, ऐसा पहला वो जो चिपक जाता है आपको नहीं पहनना है। अपनी शर्ट का कलर ट्राई कीजिए, आप लाइट लो, बिकॉज आप मॉर्निंग में पहनते हो आपको लाइट कलर की शर्ट के साथ जाना चाहिए, आप रात में पहनते हो आपको डार्क तरफ जाना चाहिए, बहुत ही कॉमन सेंस की बात है। आपकी शर्ट्स मेक श्योर थोड़ी सी प्रेस होनी चाहिए, उसमें सिकुड़न नहीं होनी चाहिए, अच्छे से टकन होनी चाहिए। वहीं कैजुअल की बात करें तो वहाँ पे आप पैटर्न वाली शर्ट्स पहन सकते हो, लेकिन उसमें एक बात का ध्यान देना, आपकी शर्ट्स में ऐसा पैटर्न होना चाहिए कि दूर से आपको ना दिखे कि उसमें कुछ पैटर्न बना हुआ है, यानी कि पैटर्न जो साइज होता है बहुत ही स्मॉल, बहुत ही बारीक होना चाहिए। आपके सामने मैंने दो शर्ट्स दिखाई हुई है, लेफ्ट वाली आप गलती से भी नहीं पहन सकते हो कैजुअल फॉर्मल्स में, राइट वाली पहन सकते हो, क्यों? क्योंकि उसका जो पैटर्न है आप देख सकते हो ध्यान से, बहुत स्मॉल, बहुत ही बारीक है, दूर से कोई बंदा देखेगा तो बता नहीं सकता इसकी शर्ट में पैटर्न है वो। अब यहां पे सेकंड पॉइंट आता है आपकी पैंट्स का। आप ट्रेडिशनल फॉर्मल्स की जब जाते हो तो वहां पे पैंट्स के दो ऑप्शन होते हैं, एक तो सूट वाली पैंट्स होती हैं, ऐसी आपने देखा होगा आपके पापा लोग को पहनते हुए, आप जाते हो टेलर के पास ऐसी ही सिल के देता है। वहीं एक और ऑप्शन होता है आपके ट्राउजर्स का, वहां पे ट्राउजर भी पहन सकते हो, वहां ट्राउजर्स चल जाते हैं। मेक श्योर जो ये एरिया होता है आपकी पैंट का, जो आपके काफ का एरिया होता है, वो थोड़ा सा आपके टेपर्ड होना चाहिए, बहुत ज्यादा चिपका हुआ नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान देना। एंड जो लेंथ होती है ट्रेडिशनल फॉर्मल्स में, आपको जो फॉर्मल्स शूज पहनते हो वहां से हल्का सा टच होना चाहिए, बहुत ज्यादा शॉर्ट आपको पैंट्स नहीं पहननी है ट्रेडिशनल में। कैजुअल फॉर्मल्स की बात करें यानी कि बिजनेस कैजुअल की बात करें तो वहां पे कई ऑप्शन होते हैं आपके पास पैंट्स के, आप चाहो तो वहां पे चीनोस पैंट्स पहन सकते हो, आप चाहो तो वहां पे क्रॉप पैंट्स पहन सकते हो, आप चाहो तो वहां पे कैर फिट पैंट्स भी पहन सकते हो, लेकिन मेक श्योर आपके जो राइज का एरिया होता है पैंट का वो थोड़ा सा मिड राइज होना चाहिए, लो राइज या फिर हाई राइज की आपको पैंट्स को अवॉइड करना है। यहाँ पर जो इनकी लेंथ होती है, मेक श्योर जो आपने ट्रेडिशनल मैंने बताया था कि आपके जो शूज होते हैं फॉर्मल उससे हल्का सा टच होना चाहिए, क्योंकि बहुत शॉर्ट लेंथ की वहां पर नहीं पहनी जाती है, लेकिन यहाँ पे हल्की सी शॉर्ट पहन सकते हो क्योंकि वहां पे आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, लेकिन यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस बिल्कुल भी नहीं है। अगला रूल यहाँ पे आता है आपके फॉर्मल शूज। शूज में आपको इस बात का ध्यान देना है कि जो आपके आगे का ये हिस्सा होता है, ये हिस्सा आपकी हाइट एवरेज है या फिर बहुत स्मॉल है, आपकी हाइट बहुत अच्छी नहीं है, तो आपके शूज का ये एरिया थोड़ा सा वहाँ पर जो चोच टाइप की निकली होती है, इस टाइप के अपने शूज देखे होंगे बहुत सारे मार्केट में, आपको ऐसे अवॉइड कीजिए। आपको जो ये हिस्सा होता है शूज का, कैजुअल शूज का, थोड़ा सा शॉर्ट होना चाहिए, बहुत ही निकला हुआ नहीं होना चाहिए। मेक श्योर जो इसका सोल होता है बहुत ज़्यादा उसमें हाइट नहीं होनी चाहिए, बहुत मोटे सोल के आपको फॉर्मल शूज नहीं लेने गलती से भी। शूज में आप चाहो तो लोफर्स भी अच्छा ऑप्शन होता है, लेकिन वो बिजनेस कैजुअल में, आपको ट्रेडिशनल में लोफर शूज नहीं पहनने अच्छे नहीं लगेंगे। अगले पॉइंट से पहले आपने अभी तक भाई को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी सब्सक्राइब कीजिएगा, बगल में बेल आइकन दबा देना। अगला पॉइंट यहाँ पे आता है आपकी एक्सेसरीज। आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ वॉच पहननी है, ज्यादा आपको तीन जाम पहनने की जरूरत नहीं है। वॉच में मेक श्योर या तो आप मेटालिक वॉच पहन सकते हो, सिंपल सॉलिड, तो यहाँ पे गोल्डन कलर की आपको मेटालिक वॉच की तरफ नहीं जाना है, सिंपल व्हाइट जो होती है इस टाइप की आप ले सकते हो, बहुत ही सही लगती है। आपको बाकी जो वॉचेस होती है उसमें जो स्पोर्ट्स वॉच होती है वो नहीं पहननी है, आपको इस टाइप की जो बड़े बड़े डायल की वॉचेस होती है आपको नहीं पहननी है। आपको पहननी है तो इस टाइप की जो वॉचेस होती है जो लेदर लुक में होती है, जिसका चमड़ा इस टाइप का होता है, उसको पहन सकते हो। मेक श्योर उसका डायल जो होता है पतला होना चाहिए, थिन होना चाहिए, जो आपकी स्किन से अच्छे से चिपक जाए। आपके डायल का साइज आपकी कलाई से बड़ा नहीं होना चाहिए। अगला पॉइंट आता है कि आपको जो बेल्ट का कलर होना चाहिए आपके शूज के कलर के साथ मैच होना चाहिए, आपको वो ज्यादा अच्छा लगेगा। अब यहाँ पे आता है हैक। मैंने बोला था ये हैक बहुत काम का है, बहुत छोटा सा है, इतना सा, लेकिन बहुत ज्यादा आपके
काम आने वाला है। देखो हम लोग जब बेल्ट पहनते हैं फॉर्मल्स में, ऑब्वियसली बात है हम लोग की शर्ट होती है टकिन होती है, तो हम लोग की बेल्ट साफ साफ दिखती है। तो क्या होता है कि आपकी जो पैंट का साइज होता है, जो वेस्ट होती है आपकी, उसका साइज जो होता है ना, आपका वेस्ट का साइज इतना होना चाहिए कि आप जो ऊपर से जो बेल्ट पहनते हो आपकी पैंट को टाइट ना करे। यानी कि जो बेल्ट का काम है ये नहीं होना चाहिए फॉर्मल्स में कि आपकी पैंट को संभाल रहा है, सिर्फ वो लुक के लिए आपको बेल्ट पहननी है, इस तरह से पहननी है क्योंकि वहां पे इस टाइप की सिकुड़न आ जाती है, देखने में बहुत ही गंदा लगता है।